जिस समय राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान पहुंचे, वामन भगवान ने कहा विक्षाम देहि, हमारे पास में तीन वस्तु हैं और इन तीनों वस्तुओं से जीव बहुत प्यार करता है। देखिए हमको चाहिए जो हमको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है या जो वस्तु हमें सबसे ज्यादा प्यारी है उसी वस्तु को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, उसी का आनंद है। और जीव को सबसे ज्यादा प्यार किससे है? तीन चीजों से, तन मन और, जोर से बोलिए, तन मन और धन। इन तीन चीजों से बहुत ज्यादा प्यार है। तन इतना प्यारा है कि थोड़ा भी कुछ हो जाए, थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, शरीर में रोग लग जाए तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बिना सोचे बिना विलंब किए, ये सोचकर कहीं और रोग ना बढ़ जाए, केयर करते अपने शरीर की, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और मन, मन भी बहुत प्यारा लगता है, जो मन कहता है वही हम करते रहते हैं। नहीं, मन ने कहा ये करना है, कर दिया, वो करना है, वो भी कर दिया, जो मन कहे सो कर देना है। तन भी अच्छा लगता है, मन भी अच्छा लगता है, और धन तो इतना प्यारा लगता है, इसके लिए तो अगर बेटे से लड़ना पड़े तो लड़ जाओ, पिता से लड़ना पड़े तो लड़ जाओ, भाई से लड़ना पड़े तो बस लड़ जाओ। धन के पीछे सब बेकार है, धन पहले। एक बात ध्यान रखना जीवन में, माना धन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। धन तुम्हें सुख के साधन तो दे सकता है लेकिन सुख नहीं दे सकता। सुख तुम्हें अपने ही लोग देंगे या हरि स्मरण देगा, कोई और नहीं। राधे राधे बोले, राधे। जो भी भक्त इन तीनों बातों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दे वही सबसे बड़ा भक्त है। और राजा बलि ने हमें दान करना सिखाया, दानी हो तो राजा बलि जैसा, दान किया अभिमान नहीं। मैंने काफी बार कहा है, अब से पहले भी कथा में कई बार कहा है, दान तो करते हैं लेकिन अभिमान साथ में आ जाता है, हमने ये किया, हम ये कर रहे हैं, या हमने ये किया था। जिंदगी में याद रखिए, अगर आपने एक भी बार अपने किए हुए दान को अपने मुंह से कह दिया तो आपका किया हुआ दान नष्ट हो गया। जो भी दान करो किसी को बोलो नहीं, किसी को बताओ नहीं, शांत होकर। राजा बलि ने किसी को कहा था कि मैंने दान दिया है? आइए जरा सीखें राजा बलि से दान कैसे दिया जाता है। राजा बलि ने जब देखा वामन भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, उनकी सुंदरता को देखकर, वामन भगवान की सुंदरता को देखकर उन्होंने अपना मन वामन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। तीन चीज में से एक तो गई, देखते ही मन अर्पित कर दिया। अब वामन भगवान ने कहा तीन पग भूमि चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, राजा बलि कहने लगे महाराज एक तो देखने में बहुत छोटे से हो और फिर मांग भी रहे हो सिर्फ तीन पग भूमि, कितना नाप लोगे तीन पग भूमि में? आपसे गलती हुई है तो दोबारा मांग लीजिए। बोले नहीं, सिर्फ तीन पग भूमि चाहिए। बोले महाराज
जब मैं आपको तीन पग भूमि दूंगा तो लोग मेरा मजाक करेंगे, लोग मेरी हंसी करेंगे। इतना बड़ा राजा होकर दान दिया तो सिर्फ तीन पग भूमि। वामन भगवान बोले, हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं, चाहे तुम्हारी कोई बुराई करे, चाहे तुम्हारी कोई अच्छा ही करे, प्रशंसा करे या निंदा करे, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें जितना चाहिए उतना चाहिए बस। राजा बलि बोले ठीक है, नहीं मानते तो तीन पग ही सही। मनी मन बामन भगवान कह रहे हैं, पहले तीन पग ने पूरो तो करके दिखा, जब पतो पड़ेगी, पहले इन तीन पग ने तो पूरी कर दे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब हम दान देने जाते हैं तो बीच में कोई ना कोई बाधा जरूर पहुंचाता है। ये नोट कर लीजिए, जब आप अच्छा काम करने जाओगे तो बाधा आएगी ही आएगी। तो क्या करें, बाधाएं आए तो पीछे हट जाएं? जो पीछे हट गए वो कमजोर, पीछे जो हट गए वो सच्चे नहीं, और जो ना हटे तो बोले वही तो भगवान के सच्चे भक्त हैं, वही राधा रानी के पूर्ण रूपेण कृपा पात्र हैं, जो कोई भी संकट आ जाए लेकिन पीछे नहीं हटते। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे, ना राजा ना, इनको दान मत देना। बोले क्यों? बोले तुम जानते नहीं हो, ये तुम्हारा सर्वस्व हरण करने आए हैं, तुम इन्हें साधारण बामन समझ रहे हो, ये साधारण नहीं है। बोले तो? बोले त्रिलोकीनाथ है, इन्हें कुछ मत दो, तुम्हारा सर्वस्व हरण कर ले जाएंगे। राजा बलि कहने लगे, महाराज मजा आ गया, आज तो जरूर दूंगा, अब पीछे नहीं हटूंगा। बोले क्यों? बोले मैंने सुना है लोग कहते हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, द्वारे पे इसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा से उनके दरस निहारता, ऐसे दीनानाथ बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। क्या बोलेंगे? दाता एक राम, एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। ये दाता है, सबको देने वाले हैं, और मेरा तो सौभाग्य हो गया महाराज, जो सबको देने वाला है त्रिलोकी नाथ है, सबका पालन पोषण करने वाला है, आज मेरे द्वार का भिखारी बन गया, आज उस भिखारी उस मालिक को अपने दरबार का भिखारी बना के छोड़ूंगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब एक बात बताइए, गोविंद भी खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं, गुरु कह रहे मत दो और गोविंद वहां लेने आए ही हैं, अब किसकी बात माने? भाई कहते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, साक्षात परम ब्रह्म है, तो क्या उनकी बात नहीं माने? वो कह रहे हैं इनको कुछ मत दो, अब बोली क्या करना है? मेरा अपना पर्सनल मत है, दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं। गुरु एक सीढ़ी है, गुरु एक रास्ता है, मंजिल नहीं है। मंजिल कौन है? कौन है? मंजिल तो वही है ना, और मंजिल के करीब जाकर गुरु रूपी रास्ता कह दे नहीं ये तेरी मंजिल नहीं, यहां से हट। आजकल मैं गुरुओं के विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि कहना नहीं चाहिए, गुरुजन हमेशा
पूजनीय वंदनीय अर्चनीय होते हैं, लेकिन आजकल मैंने देखा है गुरु लोग अपनी ही पूजा कराने लगे, मंदिरों में से भगवान के चित्र भगवान की छवि गायब है, गुरुओं की छवि विराजमान हो गई कि हम ही भगवान है हमारी पूजा करो। अरे ये तो मानने वाले के ऊपर है कि वो तुम्हें भगवान मानता है कि नहीं, तुम अपने आप कैसे कह सकते हो कि तुम भगवान हो? मानने वाला तुम्हें भगवान से भी ज्यादा मान सकता है, वो उसकी टेंशन है, उसका भाव है, उसकी श्रद्धा। लेकिन एक गुरु कह दे कि मैं भगवान हूं, ये गलत बात है। गुरु भगवान नहीं हो सकता, गुरु रास्ता है, गुरु मार्ग है, मंजिल नहीं। राजा बलि ने यही किया, राजा बलि ने यहां पर अपने गुरु की बात नहीं मानी, बोले इस परम ब्रह्म को अपने द्वार का भिखारी बना के छोड़ूंगा। लीजिए महाराज संकल्प करता हूं, तीन पग भूमि में आपको देखता हूं। अब संकल्प करने के लिए जल चाहिए, और जल बामन भगवान के कमंडल में। शुक्राचार्य जी को गुस्सा आ गया, मेरा चेला मेरी बात नहीं मान रहा है। जब चेला बात ना माने तो गुरु को गुस्सा आएगा ही। आ गया, बोले मैं भी देखता हूं बेटा तू कैसे संकल्प करेगा। गुरुजी कमंडल की टोंटी में जाकर बैठ गए। राधे 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 राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। ताली क्यों बजा रहे हो भाई, टोंटी में बैठ गए इसलिए? नहीं, रुक के बजाना, बाद में बजाएंगे एक साथ। टोंटी में बैठ गए, अब जल नहीं निकले। बामन भगवान बोले अच्छा बात है भाई, देने वाला दे रहा है, लेने वाला मैं ले रहा हूं, और देखने वाले शुक्राचार्य जी को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है बीच में। बोले चलो कोई लीला करते हैं। बामन भगवान ने एक लीला की, एक तिनका लिया और कमंडल की टोंटी में अंदर डाल दिया, और जैसे ही अंदर डाला ना, सीधे ही एक दुकान बंद हो गई। राधे राधे, एक नेत्र खत्म हो गया। जिंदगी में याद रखना, अगर कोई किसी को दान दे और हम उसे रोकें, ये बहुत बड़ा अपराध है। जो दान दे उसे रोकना नहीं चाहिए, दंडनीय अपराध है। शुक्राचार्य जी ने रोका तो उनको एक नेत्र देना पड़ा, वो तो इतने तपस्वी थे। अगर हम किसी को रोक लेंगे तो हमें तो दोनों से याद धोना पड़ेगा। इसलिए दान देने वाले का तो प्रोत्साहन करना चाहिए, और करो, तुम लोगों की वजह से धर्म जीवित है, ऐसे उत्साह बढ़ाना चाहिए, उसको और आगे लाना चाहिए। अब नापने की बारी आई, भूमि नापने की बारी आई। बामन भगवान ने दो ही पग में सारा नाप लिया, वो मैंने कल आपको बताया। तीसरा पग कहां रखें? पहले मन दिया जब बामन भगवान को देखा, जब मांगा तो अपना सर्वस्व धन दे दिया, और अब जब संकल्प कम पड़ गया तो बामन भगवान ने कहा अगर संकल्प किया हुआ तूने पूरा नहीं किया, तीन पग भूमि कही और तूने अगर पूरा नहीं किया तो पुण्य की बजाय पाप लगेगा। यहां पर हमारे काफी सारे जजमान बैठे हैं, दूर दूर से टीवी के माध्यम से भी काफी लोग सुन रहे हैं। ध्यान रखिएगा, संकल्प कम करो अच्छी बात, बाद में ज्यादा दे दो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले ही बहुत ज्यादा बोल दो और बाद में कम करो तो पुण्य लगने की बजाय पाप लग जाता है। इसलिए संकल्प लिमिट में रह के करना चाहिए। हमारे यहां तो हमारे गुरुजन कहते हैं दान उतना करना चाहिए जितना पॉकेट अलाउ करे, जितना हमारी जवाब दे दे कि हाँ इतना ठीक है इतना कर दो, लेकिन संकल्प पॉकेट के हिसाब से होना चाहिए, ज्यादा नहीं। ज्यादा हो जाए तो तुम्हें भी प्रॉब्लम, फिर पाप भी लगे पूरा ना हो तो। इसलिए ध्यान रखिए हमेशा। बामन भगवान ने कहा तुझे पाप लगेगा? तो बामन भगवान ने कहा, तो उन्होंने कहा प्रभु आप एक चरण से मुझे नाप लीजिए। बामन भगवान ने नाप लिया। नापने के बाद बामन भगवान बोले तुम मुझसे कुछ वरदान मांग ले, मैं तेरे स्वभाव से बड़ा प्रसन्न हूं, जिसने अपना सर्वस्व दे दिया हो
और माथे पर जिसके शिकन आवे, टेंशन की लकीरें दिमाग पर मस्तिष्क पर ना हो, वो सबसे बड़ा दानी है। काफी लोग दान तो दे देते हैं लेकिन थोड़ी सी राधे, मैंने कुछ कहा नहीं है, आप समझना नहीं कुछ एक्स्ट्रा, लेकिन जोर से बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। तूने सर्वस्व दे दिया, तन मन धन सर्वस्व दे दिया, लेकिन तेरे चेहरे पर उदासी नहीं है इस तरह की तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग ले। बोले कमाल करते हो, अभी आप मांग रहे थे, अब मैं आपसे मांगू? लेकिन आपसे मांगने में तो भलाई है, आपसे दुनिया मांगती है तो मैं भी मांगूंगा, दे दोगे जो मांगूंगा? बोले हां। बोले ठीक है, आज से आप मेरे पहरेदार बनकर रहेंगे। यार बामन भगवान ने उनको पाताल का राज्य दिया, जब पाताल का राज्य दिया तो राजा बलि बोले आपको मेरा पहरेदार बनना पड़ेगा, भगवान ने मंजूर कर लिया। और यही भक्तों की विशेषता है कि वो भगवान को भी अपने बस में कर लेते हैं। ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला।